मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम बनते ही बड़ा फैसला लेने का ऐलान कर दिया। आज विधानसभा में उन्होंने पहला कदम उठाया है, जिन्होंने लाडली बहना के लिए एक बड़ी राहत दी है। लाडली बहना के लिए उन्होंने इस प्रकार से कदम उठाना आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए ये खास रिपोर्ट, इसमें उन्होंने खुद कहा है। ये बजट बढ़कर के पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, वो योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वही लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजना है, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात है, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी, किसी की कोई राशि नहीं कटेगी। अगर इन्होंने बोला योजना, सारी राशि जब जब जिसकी तारीख है उस तारीख में डलती जा रही है। अब ये अलग बात है, आपको जानकारी नहीं तो मैं मेरा मेरा अनुरोध है, बन सकता है इस पर एक बना दे। अरे एक मिनट का, माननीय मोदी जी को धन्यवाद दो, जिनने कहा कि कुल चार जातियां, उसमें बहनों को भी एक उनने महिलाओं के लिए भी रखा है, महिला, युवा, गरीब, किसान। अब आप उसमें महिला सशक्तिकरण की योजना में कानून बना रहे हैं। अब आपके लोग तो वहां बाहर काला लेके घूम रहे हैं दिल्ली में, मैं क्या करूं? आप उनको समझाओ कि भैया उनके लिए हम सब तैयार है। अगर आप यूनानिमस तैयार हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बहनों के लिए जो बेहतर हो सकता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सारी राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब ये अपनी चर्चा आपने कर लेंगे, थोड़ा बीच और भी मौका मिलेगा। डबल इंजन सरकार का चमत्कार क्या होता बताना चाहूंगा कि मध्यप्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक हटा। 5 लाख किलोमीटर से अधिक लंबाई की चमचमाती सड़कें अगर बनी है तो केवल डबल इंजन सरकार के कारण बनी है। 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा अगर बढ़ी है तो केवल डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी के कारण से बढ़ी है। हमारी विकास दर आज 16% से ज्यादा हो गई है तो केवल मोदी जी की सरकार के कारण से हुई है, हमारा सौभाग्य है। प्रति व्यक्ति 1,40,000 से अधिक अगर हुई है तो उसमें एकमात्र कारण माननीय मोदी जी का। और एक और बात आपने कहा, सिंहस्थ का, हाँ सिंहस्थ होगा, ये तो भगवान ने हमको सौभाग्य दिया। जब जब सिंहस्थ होता है केवल एकमात्र कारण भाजपा की सरकार बनती है या पूर्ववर्ती सरकारें बनती है, और सिंहस्थ को हर पुराने सिंहस्थ से ज्यादा अच्छे से कराने का हमारा ही उस मामले में योगदान देता है। मैं आज आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 2028 का सिंहस्थ, जिसको हम बाकी लोग कुंभ राशि कारण कुंभ मेला कहते हैं, फिर हम कराएंगे और किसी को बाल बराबर तकलीफ नहीं आने देंगे। लेकिन सरकार विकास के काम भी बराबर करेगी और अवैध विकास को कभी बढ़ावा नहीं देगी। ये किसी भी कारण से अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा नहीं देगी। नियम कानून के अंतर्गत जो जो हो सकता है वो सारे प्रबंध हम करने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय तो बहुत लंबे है और बहुत सारी बात करना, लेकिन चूंकि सभाचार का समय हुआ है, आज हमारा अपना इस सदन का एक तरह से समारोह का समय आया है। मैं आज अपने सारे वरिष्ठों का, सारे मित्रों का, जिनने सकारात्मक माहौल में एक अच्छे विषय को अच्छे ढंग से, जिसकी शुरुआत ही आप शुभंकर है हमारे सदन के, आपका चयन में हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, उनकी कांग्रेस पार्टी ने, भैया आप पटेल साहब याद रख लेना, अपने हेमंत कटारे जी आपने कल कोट किया था। मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूं जिनने ये हमारे सामूहिक नेतृत्व करके एक अच्छी परंपरा स्थापित की है कि सदन के नेता सर्वानुमति से बनना चाहिए और इसी प्रकार से चर्चाएं भी सब होना चाहिए। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। बीच में टोकाटाकी तो चलती है लेकिन स्वस्थ आलोचनाओं का ये क्रम जारी रहे, इससे कोई मना नहीं। हमारे मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकते हैं सरकार के। तो अभी राम भक्तों का, राम दर्शन करने जाने वालों का, और तीर्थ दर्शन यात्रा के माध्यम से हमारी सरकार ट्रेनों से, बसों से, जिनको अयोध्या की इच्छा होगी सबको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यह हमारी व्यवस्था के आधार पर, अरे हम तो सबका स्वागत करेंगे। हमको मालूम है अब
साहब चले, अब क्या दिक्कत है? भगवान राम के लिए हमको मालूम है, लेकिन राम कैसे हैं? आप भी राम अब करना सीखे हो, लेकिन राम हमारे राम कैसे हैं? आप बताओ, कोई ऐसा शासक हो सकता है क्या जिसके केवल नाम में, नाम तो केवल राम है, लेकिन राम कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिखाई देते? राम हमारे दिखाई देते, हम राम राम तो हमको लगता अभिवादन कर रहे हैं, अपने जय सियाराम आनंद में आ जाते हैं, आराम सोने भी जाए तो राम के पास, विश्राम तो राम, और आप राम नाम सत्य करने वाले कोर्ट में सर्टिफिकेट देते थे कि राम का अस्तित्व कहाँ है, राम जी कहाँ है? कपिल सिब्बल का आज भी एफिडेविट इस बात के लिए लज्जित करता है कि आपने प्रभु श्री राम के प्रश्न उठाए थे, आज आप उनकी बात करते हो कि हाँ हमारे भी राम है। अरे तुम्हारे राम तो होते तो तुम ये सर्टिफिकेट क्यों देते? ये मामले क्यों उलझाते? राम मंदिर के मार्ग में क्यों बाधाएं खड़ी करते? ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और आप फिर मामला है, चलो आप भी समझ जाओ, कोई बात नहीं, राम की बात पूरी हो गई, आ जाओ कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मथुरा में आओ, आओ मथुरा में फूल मना कर रहा, बोलो भगवान कृष्ण की जय जयकार करो। ये हमारी सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, भगवान कृष्ण के जहाँ जहाँ पांव पड़े, जहाँ जहाँ लीला रचिए, चाहे आयो अपना उज्जैन जहाँ उन्हें 64 कला 14 विद्या सीखी, या आपका धार का पास का अंधेरा जहाँ रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहाँ परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे, ये हमारी सरकार का निर्णय। हम इन सारे निर्णयों के लिए सरकार में आए, हम ये कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण और मुख्यमंत्री जी बोल रहे, क्या है अभिभाषण इसमें? ये अभिभाषण में कहा है? महोदय मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पहले राम की बात करी तो इन्हें कोर्ट में शपथ पत्र दिया, अभी कृष्ण की बात करी तो फिर बात बदलने लग गई। कृष्ण राम से क्यों नफरत है, पता नहीं क्या कारण है आपका। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हिस्सा इसी प्रकार से हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है, इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़ करके पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजना है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात है, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी, किसी की कोई राशि नहीं कटेगी। अगर इन्होंने बोला योजना, सारी राशि जब जब जिसकी तारीख है उस तारीख में डलती जा रही है। अब ये अलग बात है, आपको जानकारी नहीं तो मैं। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ।